तो यार हमने अपना अच्छा सा खूबसूरत सा मुर्गा हाथ में उठा लिया है और दोस्तों बहुत खूबसूरत था, मसाला था, थोड़ा सा फुर्तीला हाथ में नहीं आता। ये देखें दोस्तों, ये वाला मुर्गा है। ओए चलो जाओ, ये देखें दोस्तों। हाँ तकी भाई, मुर्गे लड़ते भी है ये। क्या हो गया गफार भाई, कल लड़ा के तो चेक किया था, अभी नहीं, अभी कहाँ खोल रहे हो? नहीं नहीं अभी मैं लड़ाऊंगा यार। लड़ाओगे? चेक तो करें यार। गफार भाई नहीं, बट देखें कितने प्यारे लग रहे हैं बैठे हुए। ये देखें दोस्तों, ओए उड़ गए भाई। चलो तुम भी उड़ो, चलो जाओ। ये देखें दोस्तों, बहुत यार खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसे और लाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? मुद्दा बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से दोस्तों। आज ना मौसम बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, हर तरफ बादल आए हैं और बड़ी प्यारी और कूल हवा चल रही है दोस्तों। इसकी वजह से ना हमारे सारे परिंदे बहुत ही खुश हैं और हमारे लव बर्ड्स ना ये यहाँ जो डंडी लगाई थी ना, हमने स्टेक लगाई थी, यहाँ पे बैठे हुए थे दोस्तों। अभी मुझे देख के उड़ के पीछे चले गए हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। ये भी बहुत खुश हैं, इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, हमें आते ही बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिल गई। मैंने कल सही वक्त पे जोड़े बना दिए थे सब पिजन के। कल हम जब नए परिंदे लाए थे ना, न्यू बर्ड्स, तो हम लोगों ने सबके अलग अलग जगह बना दी थी और हमें गुड न्यूज़ ये मिली कि हमारे इस सारे जोड़े ने अंडा भी दे दिया दोस्तों। देखें ये क्रॉस जोड़ा है, वो ब्राउन और व्हाइट है और ये पूरा लका कबूतर है, व्हाइट कबूतर। अब देखते हैं इसमें से कैसा बच्चा निकलेगा। मुझे तो उम्मीद है दोस्तों बहुत प्यारा और क्यूट सा बच्चा निकलेगा जो कि इंशाल्लाह बड़ा होगा, फिर हम देखेंगे दोस्तों इनका। और ख़ास तौर पर इनका बच्चा मुझे देखना है भाई, इनके बच्चे दोस्तों बहुत प्यारे होते हैं यार। और इनका सब परिंदों का मुझे बच्चा देखना है। और यार जो सबसे चीज़ का मुझे इंतजार है ना, वो है इनका दोस्तों, इनका मुझे जोड़ा देखना है। ये जल्दी से मुर्गी अंडे दे और ताकि मैं इसके बच्चे निकाल सकूं और देख सकूं कि वाइट और ब्राउन का क्या क्रॉस निकलता है दोस्तों, मतलब हीरा मुर्गा। और ये नस्ल तो नहीं पता मुर्गी की, लेकिन है अच्छी मुर्गी दोस्तों। अब मुझे नहीं पता कौन सी नस्ल है। खैर बच्चे निकलेंगे फिर देखेंगे क्या नस्ल निकलती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सारे परिंदे खोल दिए और ये जो मुर्गी है ना, ये वाली, ये सबसे लड़ी, किसी को पास नहीं आने दे रही भाई। इधर चेक करें, बेचारे चूजे सबको भगा दिया यार इसने। यार ऐसे क्यों कर रही है तुम? ये देखें, ये लड़ाकन मुर्गी है दोस्तों, ये हम पे भी गुस्सा कर रही है उल्टा दोस्तों। ये देखें, ये किसी चूजे को करीब नहीं आने दे रही वो मुर्गा दोस्तों। देखें यार, ये मुर्गा मैं आपको बताऊंगा ये कौन सी नस्ल का, मुझे दोस्तों समझ नहीं आ रहा अच्छी तरह। पहले वाला मुर्गा बंद करूंगा फिर निकालूंगा इसका। अभी चीख रहा है भाई, मुझे भी निकालो भाई, निकालता हूँ सवर करो। बहुत प्यारा दोस्तों मुर्गा मिल गया, मैं माशाल्लाह से सबको दोस्तों बहुत पसंद आ रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह आपको निकाल के अच्छी तरह दिखाऊंगा। कल तो यार लाइट में गर्मी बहुत ही, आज तो मौसम भी दोस्तों बिल्कुल वीआईपी हो रहा है, तो आज मैं आपको दिखा दूंगा कौन सा मुर्गा है, कौन सी नस्ल का है और हमें कैसे मिल गया दोस्तों। सोच रहे दोस्तों हमने अपने पिजन्स को अभी तक क्यों नहीं खोला? हमारे पिजन दोस्तों बहुत सारे नए आए हैं, तो अगर वो उड़ गए ना तो उनको देख के हमारे पुराने पिजन भी दोस्तों उड़ जाएंगे। अभी इन्हें दोस्तों तकरीबन एक दो हफ्ते बाद खोलूंगा ताकि ट्रेन हो जाए छत की इस फेट हाउस के दोस्तों। अभी इनको अगर खोलूंगा तो हमारे इनको देखा देखे हमारे पुराने पिजन भी उड़ के चले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि यार इनकी जोड़ा बन चुका होगा अभी तक और इस सारे जोड़े ने तो अंडा भी दे दिया दोस्तों। तो अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं जब तक ये अंडे बच्चे प्रॉपर देना शुरू नहीं हो जाते ना। फिर जब एक दो अंडे बच्चे निकालेंगे फिर ये टेम हो जाएंगे छत के, ये कहीं और उड़ के नहीं जाएंगे, फिर उसके बाद इनको आराम से खोल सकता हूँ। आपको दोस्तों आज गफार भाई नजर नहीं आ रहे होंगे, गफार भाई हैं दोस्तों इसी पेट हाउस में मौजूद है, लेकिन आज उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ? खैर है, पानी शानी डाल दिया चारा, पानी सानी सब मैंने परिंदे अंदर को खोल दिया, छत भी पानी डाल दिया पेट हाउस ताकि ठंडा। मौसम अच्छा हो रहा है, लेकिन जब मौसम अच्छा होता है आपकी तबियत खराब हो जाती है, नहीं तो गर्मी में दोस्तों हम दोनों काम कर रहे थे, व्लॉग भी बना रहे थे। आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है तब भी गफार भाई की ना तबियत ही खराब है यार। क्या करें यार, देखो दोस्तों गफार भाई की तबियत आजकल खराब है, पता नहीं क्या वजह होती है, जब मौसम गर्म होता है तब ठीक हो जाती है, जब मौसम ठंडा होता है तब तबियत खराब हो जाती है। हाँ तकी भाई, मुर्गे लड़ते भी है ये। क्या हो गया गफार भाई, कल लड़ा के तो चेक किया था, अभी नहीं, अभी कहाँ खोल रहे हो? नहीं नहीं अभी मैं लड़ाऊंगा यार। लड़ाओगे? चेक तो करें यार। यार गफार भाई, गफार भाई मुर्गे को निकाल रहे हैं आप, गंदा सीन होने वाला है। दोनों मुर्गे खुल गए, हमारा खूबसूरत वाला मुर्गा भी खुल गया यहाँ पे। हेलो यार गफार भाई नहीं, ओए गफार भाई ने हटाओ गफार भाई, हटा लो बस, अब हटा लो गफार भाई। दोस्तों गफार भाई ने मुर्गा उठा लिया अभी वाला, क्योंकि यार ये काफी लड़ है यार, यार तो मैं सोचा नहीं था इतना लड़ेगा वाला मुर्गा यार, ये तो शरीफ सा मुर्गा था यार। ओए होए गफार भाई, टिकटॉक बनाओगे गफार भाई आप? हाँ, गफार भाई टिकटॉक बनाने के चक्कर में भाई। और यार ये मुर्गे को गुस्सा आ रहा है सफेद वाले यार, ये देखें दोस्तों मुर्गे को भाई गुस्सा आ गया गफार भाई, ये देखें यार। हाँ माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है दोस्तों, मैं आपको पूरा पकड़ के इसका ओवर व्यू करवाऊंगा। गफार भाई सर पे क्या हुआ सफेद? ये क्या है सफेद सफेद सर? ये ऊपर सफेद सफेद ये, अच्छा ये वो है।
तो यार हमने अपना अच्छा सा खूबसूरत सा मुर्गा हाथ में उठा लिया है और दोस्तों बहुत खूबसूरत था मसाला, थोड़ा सा फुर्तीला हाथ में नहीं आता। ये देखें दोस्तों ये वाला मुर्गा है, चलो जाओ। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से आज मुर्गा तो बहुत अच्छा है दोस्तों। ये देखें यार, अब मैं बताता हूँ हमने से कहाँ से लिया। जैसे कल का आपने व्लॉग देखा होगा दोस्तों, हम लोगों ने इसे सदर से लिया और ये एक ही ऐसा पीस था दोस्तों जिसके पीछे सारे लोग पागल हुए पड़े थे। तो दोस्तों मैंने इसे खरीद लिया और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है दोस्तों। जिसकी लुक पे लुक ऐसी लगती है जैसे देसी मुर्गा है, लेकिन ये है असील मुर्गा दोस्तों, प्योर। इसके ताज से इसके फेस से आप समझ जाएंगे दोस्तों। ये देखें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मुर्गा है दोस्तों, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है मुर्गा और मैंने अपनी पसंद से लिया है दोस्तों। मैं इसके जगह कोई और असली फाइटर असली भी ले सकता था, लेकिन क्या करें जो अच्छा लगा वही लूंगा। अब देखें दोस्तों से हमारा घर भी पहचान लिया है और खुद ही अंदर जाता है दोस्तों। ये देखें मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसकी जैसी इंशाल्लाह मुर्गी भी लाएंगे। तो अभी दोस्तों मैं मास्टर के इसके अंदर आया हूँ और देखा हमारे पेरेंट्स ने किया हुआ क्या है यार। ये देखें ये गिराया हुआ है गफार भाई, जो आपने डेकोरेशन लगाई थी वो सारे पेरेंट्स ने गिराई हुई है यार। ये वहाँ पे लगा देता हूँ दोस्तों मैं। ये देखें ये ऐसे लगेगी दोस्तों, इसी तरह करके सारी लगाऊंगा। और हमारे लव बर्ड देखें कितने प्यारे लग रहे हैं बैठे हुए। ये देखें दोस्तों, ओए उड़ गए भाई, चलो तुम भी उड़ो, चलो जाओ। ये देखें दोस्तों बहुत यार खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसे और लाएंगे इंशाल्लाह ग्रीन कलर में। अब येलो कलर में आए, देखो दोस्तों स्टिक पे बैठ गए। इंशाल्लाह यार अंडे बच्चे निकालेंगे, अपनी जगह पहले डिसाइड कर लें कि किस मटकी में जाना है। इधर बहुत सारी अलग अलग टाइप की मटकी हैं, जिसको देख रहे हैं कंफ्यूज हो गए भाई कौन से हम लोग चूज करें। और हमारे जैक और जैकी नजर नहीं आ रहे गफार भाई। ओए जैक और जैकी क्या हाल है। ये देखो दोस्तों जैक और जैकी ना कभी उस तरह बैठे होते हैं, कभी इस तरह बैठे होते हैं, ये भी अपनी जगह चूज नहीं कर पा रहे। बाकी हमारी मिट्टी का है, ये रही हमारी मिट्टी दोस्तों। हमारे मिट्टी का भी दोस्तों पहला आना बाकी है यार। गफार भाई ये भाई इसका पेयर लाना भूल गए यार हम लोग। ये फीमेल था, इसके लिए मेल लाना था, फीमेल है ये दोस्तों। इसके लिए ना लड़का लाएंगे अच्छा सा ढूंढ के कोई। बाकी वो देखें गफार भाई वो देखें पैरेट जा रहा है अंदर, अंदर जा रहा है, उसको वो पसंद आ गया है जगह दोस्तों। जाओ अंदर जाओ, ऐसे नहीं करूँ। बाकी दोस्तों चलें दोस्तों अपने पैरेट्स को दाना पानी रख देते हैं यहाँ पे, और जितनी भी यहाँ चीजें गिरी है उनको वापस लगाते हैं यहाँ पे ना दोस्तों। जो बच्चे कुछ परिंदे ना हमारे, उनको गफार भाई अंदर बाजरा पानी रख रहे हैं। ऐसे पिजन को हमने बाहर नहीं निकाला ना, तो उनको अंदर ही रखेंगे ताकि यार वो टेम हो जाए। इन पिजन को बहुत भूख लग रही थी दोस्तों, अब इनको भी डालेंगे, इनकी बारी भी आएगी नीचे वाले पिजन की। सबको दोस्तों मजे का बाजरा मिल जाएगा। बाकी पैरेट्स को तो मैंने रख के फारे कर दिया, इंशाल्लाह अब नीचे आएंगे थोड़ी देर बाद, बाजरा खाएंगे जब हम चले आएंगे ना दूर हो जाएंगे तब नीचे आएंगे। वो देखें दोस्तों हमारे लव बर्ड्स उधर आराम से इंजॉय कर रहे हैं, पैरेट्स यहाँ पे स्टिक पे बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह और पैरेट रहेंगे फिर बहुत सारे हो जाएंगे। यार हमने अपने अच्छे वाले मुर्गे को भी खाना आना अंदर रख दिया। ये देखें दोस्तों आराम से खा लेगा भाई, आराम करो सही है। अब तुम काफी गुस्से में था दोस्तों आज, ये वाइट वाले मुर्गे पर इससे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने ना वाइट वाले मुर्गे ने इसकी मुर्गी छीन ली दोस्तों, जबकि वो मुर्गी वाइट वाले मुर्गे के लिए लाया था। लेकिन ये समझ आता इसके लिए, इंशाल्लाह दोस्तों थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसके लिए भी अच्छी सी मुर्गी लाएंगे।